एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले दुनिया भर के बाजारों से जबरदस्त तेजी के संकेत और लगातार तीन दिन 11,000 के ऊपर बंद होने के बाद क्या निफ्टी आज नया रिकॉर्ड बनाएगा? सेंसेक्स तो बना रहा है हर रोज लाइफ हाई, क्या निफ्टी पर लाइफ हाई बनेगा? ये होगा हमारा आज खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और निफ्टी आज लाइफ हाई लगाएगा या फिर नहीं, ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि आज शुरुआत से पहले संकेत कैसे मिल रहे हैं। तो उन्हीं संकेतों पर एक गौर कर लेते हैं। संकेत विदेशी बाजारों से अच्छे हैं। अमेरिका में नतीजों के दम पर तेजी दिखी है और डाउ जोन्स 200 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। एशियाई बाजारों की शुरुआत मिलीजुली हुई थी, लेकिन अब तेजी बनती हुई दिख रही है। हैंगसेंग 200 अंक ऊपर आ चुका है, तो एशियाई बाजारों से भी जो संकेत है वह बेहतर हुए हैं। साथ ही आज फोकस में रहेंगे घरेलू बाजार में नतीजों वाले स्टॉक्स, जैसे कि L&T, BHEL, हीरो मोटोकॉप, इनके नतीजे आ जाएंगे। साथ ही F&O की कई कंपनियां जो अपने नंबर्स पेश करेंगी उन पर भी फोकस रहेगा। HDFC म्यूचुअल फंड, इसका IPO आज खुल रहा है। आपको बताएंगे आगे शो में कि इस IPO में आपको पैसा लगाना है या फिर नहीं, लिस्टिंग और लंबी अवधि के हिसाब से। तो ये कुछ अहम संकेत हैं आज की ओपनिंग से पहले। लेकिन ओवरऑल संकेत जैसे भी हो, उस पर चर्चा करने से पहले ये बताइए, लाइफटाइम हाई की तैयारी आज कर लेनी चाहिए? बिल्कुल 100% करनी चाहिए। कि कितना दूर है, मुश्किल से 11,171 यानी कि 37 पॉइंट तो मिल जाएंगे। तो संकेत अच्छे हैं यानी आज की शुरुआत, मतलब आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? इससे बढ़िया, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? देखिए 3 इक्के बताइए तेजी के, या फिर कहिए कि लाइफ हाई के 3 इक्के बताइए और चारों ही दे देते। हाँ, तो चार तो बोनस हो जाएगा। 3:1। देखिए पहला, सबसे पहला तो अमेरिका बेहद दमदार तेजी के साथ 200 अंक, दूसरा हांगकांग, तीसरा नतीजे बेहतरीन आ रहे हैं, हर रोज कोई सेक्टर आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, चौथा, चारों कर देता हूँ, एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग के संकेत है, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं, कट नहीं रहे आज और कल में कटने हैं। अच्छा, तो ये चारों इक्के हैं कि 11,171 आज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए फिर आज पॉजिटिव ज्यादा है ओवरऑल क्यूज की अगर देखें तो? देखिए संकेत, हाँ बिल्कुल ग्लोबल पॉजिटिव लिए हैं मैंने। जब डाओ और हांगकांग दोनों ऊपर हो तो ग्लोबल पॉजिटिव है। और दूसरी बात है कि ग्लोबल में नेगेटिव हमारे लिए जो कच्चा तेल होता है वो स्टेबल है, $74 के नीचे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और करेंसी भी कल हल्की सी कमजोर हुई है, 7-8 पैसे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। FIs के संकेत भी पॉजिटिव आए और घरेलू संकेत भी पॉजिटिव आए, जो कल दोनों न्यूट्रल थे। FNO के संकेत जरूर मैंने न्यूट्रल रखे, उसकी मैं वजह बताऊंगा आपको। सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है, स्ट्रांग है, सुपर पॉजिटिव, स्ट्रांग, मजबूत एकदम। और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये एक मतलब ट्रेंड भी स्ट्रांग भी कह सकते हैं हम, लेकिन ये सारे संकेत आज तो नेगेटिव संकेत एक भी नहीं। तो इन संकेतों के दम पे जहाँ पर पॉजिटिव और स्ट्रांग का दबदबा है तो मजबूत तो खुलेंगे, ये तो मुझे आपके इस कमेंट्री से पता लग गया। लेकिन ये बताइए खुलने के बाद कौन से स्तर अहम होंगे, ट्रेड का मौका मिलेगा आज इंडेक्स पर ट्रेडर्स? हाँ, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दो चीजें हैं, निफ्टी आज 11,100 निर्णायक लेवल है, जहां से आप 34 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। आपका निर्णायक लेवल बहुत नीचे आ रहा है, ये अच्छी बात है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 11,100-11,150 से निफ्टी की शुरुआती रेंज होगी। इस रेंज के पार निकलने पर दो निर्णायक लेवल है बेसिकली, 11,150 के ऊपर तो सुपर मजबूत हो जाएंगे आप, और 11,100 के नीचे आप जाएंगे तो हल्का सा तनाव आएगा कि कहीं एक्सपायरी के पहले प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं आ रही, बहुत तेजी की पोजीशन बनी हुई, क्या वो कम होने वाली है। तो बेसिकली आप बिल्कुल छोटे शुरुआती घंटे के लिए दो निर्णायक लेवल भी ले सकते हैं, लेकिन दिन के लिए जब मैं ले रहा हूँ तो 11,100 मेरा निर्णायक लेवल है। 27,000 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, और बैंक निफ्टी पर 27,000 का जो निर्णायक लेवल है उससे 26 पॉइंट नीचे कल हम बंद हुए, तो बैंक निफ्टी अपने निर्णायक लेवल के नीचे बंद हुआ है, निफ्टी ऊपर बंद हुआ। आज की जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है 11,075 से लेकर 11,175, ये है 100 पॉइंट की रेंज जिस पर आपको नजर रखनी है। इस रेंज के बाहर निकले तो थोड़ा एडिशनल मूव आ सकता है, जो नीचे की तरफ 11,025 हो सकता है 50 पॉइंट का, लेकिन ऊपर की तरफ सिर्फ मैंने 25 पॉइंट के रखा है 11,200। मैं आज अभी इस वक्त 11,225 के ऊपर की तेजी नहीं देख रहा, उतनी ही देख रहा हूं बस, ये है आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 26,850-27,125 ये है रेंज बैंक निफ्टी की, जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है। कल भी हमने जो ट्रेडिंग रेंज है उसके दोनों ही तरफ बैंक निफ्टी ने टच किया है, ऊपर भी और नीचे भी। आज की ट्रेडिंग रेंज 26,850-27,125 है। बड़ी रेंज लेना है तो 26,725 है और 27,200 है। इस वक्त मैं 27,200 के पार जाते हुए नहीं देख रहा, और ऐसा भी नहीं लगता कि 26,700-26,725 को आसानी से बैंक निफ्टी नीचे
की तरफ डालेगा। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। अब आइए आप अहम सपोर्ट जोन जो है निफ्टी पर 11,025 से 11,075, ये निफ्टी पर बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है 50 अंकों का। और बैंक निफ्टी पर 26,725 से 26,875 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है 150 पॉइंट का। ये सेम वही है दीपाली जो कल था, और कल वही देख रही हूँ, वही है, कल वहीं से घुमा है। और 26,868 का लो है बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी ने कल अपने सपोर्ट जोन को होल्ड किया है। अब आइए निफ्टी में 11,000, ये है वो लेवल जिसके नीचे अगर निफ्टी, माफ कीजिएगा, 11,100 आना चाहिए, हाँ 11,000 नहीं सही है, 11,000 का जो लेवल है अगर इसके नीचे निफ्टी बंद होता है तो ही आपको तनाव लेना है। जब तक 11,000 के नीचे बंद ना हो तब तक आपको अपनी तेजी की पोजीशन होल्ड करनी है। और बैंक निफ्टी पर 26,775 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए मैं ट्रेड बता दूं आपको। निफ्टी खरीदना है 11,025 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,025 थोड़ा दूर है, अगर गैप से खुल जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस 11,075 आ जाएगा। अच्छा, और जिसकी संभावना ज्यादा है, तो मतलब शुरुआत कैसे उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। शुरुआत मजबूती होनी चाहिए, तब आपको स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर कर लेना, वो 11,075 हो जाएगा। ठीक है, 11,150 पहला टारगेट है, 11,175, 11,200, ये तीन टारगेट ऊपर के। 11,175 के ऊपर आसपास आपको शॉर्ट भी करना है, शॉर्ट कर सकते हैं, 11,200 के आसपास शॉर्ट करेंगे जितना उतना बेहतर है। 11,200 या 11,225 का आपको स्टॉप लॉस रख लेना है, शॉर्ट करिए, और नीचे की तरफ 11,125, 11,100 तक आपको एक करेक्शन मिल सकता है। आज शॉर्ट करने की राय भी है ऊपर की तरफ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट कवरिंग देख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब भाग ही जाएंगे, बहुत थोड़ा एक बार शॉर्ट बनता है, थोड़ा रुक बन सकता है, ऐसा लगता है 50 पॉइंट मिल सकते हैं ऊपर शॉर्ट, अगर सही जगह शॉर्ट करेंगे तो 50 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी 26,850 आपका शुरुआती स्टॉप लॉस है, और अगर गैप से खुले नीचे आ जाए, पहले नीचे खुल जाए तो 26,850 के आसपास मिले तो लेना भी चाहिए। 27,150, 27,250 ये ऊपर के लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी पर बन सकते हैं, माफ कीजिए 27,000 का लेवल पहले बनेगा, और उसके बाद 27,150 का, दो लेवल ले लीजिए, 27,250 हटा दीजिए, ये काम का नहीं है, 27,000 और 27,150, ये दो लेवल बैंक निफ्टी पर आपकी खरीदारी करने के लिहाज से। बैंक निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है 27,125 के आसपास, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 27,225, और नीचे की तरफ 27,000 आपको मिल सकता है। ये है पुट कॉल रेशियो 1.89 पर है, वायदा कारोबार के डेटा में आपको मैं जब डिस्कस करूंगा तो विस्तार में बताऊंगा। पॉजिटिव साइड पर सेक्टर जो नजर आ रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुक, थोड़ी तेजी बन सकती है अब भी, आज रिजल्ट से एलएनटी और भेल के, और सीमेंट शेयरों में आज ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अगर आज गैप से सीमेंट शेयर खुले तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, कल बहुत तेजी होगी, जरूरत से ज्यादा होगी, एक दिन में इतनी ज्यादा सीमेंट शेयर पचा नहीं पाएंगे, आदत नहीं इतनी तेजी देखने की, तो हो गई है। तो सीमेंट स्टॉक से मुनाफा वसूली आज दिख सकती है ऊपर खुले तो, और कैपिटल गुड स्टॉक से एक्शन में रह सकते हैं, एलएनटी के नतीजों का असर पूरे सेक्टर पर दिख सकता है, एक्सपेक्टेशन का असर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तो इसमें एक चीज और भी बता दूंगी, जब बात निकली तो कल स्टॉक ऑफ द डे एलएनटी था दमदार, और उसने कल ही अचीव कर लिया, और जाते जाते हमने भेल दिया था, राइट, तो दोनों, तो मेरा ये मानना है कि आज रिजल्ट आने के पहले इन दोनों ही शेयरों में आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें। ठीक है, कल तो वैसे टारगेट अचीव हो ही चुके हैं, लेकिन जो भी हो आज एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए रिजल्ट के पहले। ठीक है, तो एलएनटी बीएचएल पर ही राय है, लेकिन संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, आपने बताया कि डीआईएस के भी पॉजिटिव हैं और एफआईएस के भी पॉजिटिव हैं, एफआईएस ने मतलब जो शेयरों में खरीदारी की है फ्यूचर्स में और कैश में, इस वजह से पॉजिटिव है। और आंकड़ा ऐसा देखा जाए तो 100 करोड़ का, 100 करोड़ का एफआईएस के लिए क्या होता है, कुछ नहीं है, 100 करोड़ नहीं के बराबर है, लेकिन साथ में 100 करोड़ के कैश के खरीद कर 470 करोड़ के वो स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो दोनों मिला के मेरे लिए 575 करोड़ ठीक होता है आंकड़ा, तो उस लिहाज से खरीदारी का आंकड़ा है। साथ साथ उन्होंने इंडेक्स बेचे नहीं है, इंडेक्स की बिकवाली सिर्फ 35 करोड़ की है जो कि छोटी है, तो उस लिहाज से मेरे लिए आंकड़े अच्छे हैं, इसलिए मैंने बड़े दिनों बाद एफआई, अच्छा और एक चीज और ये कि छोटे छोटे ही सही, लेकिन अब एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आना शुरू हो रहे हैं कैश मार्केट में, तो थोड़ा सा मूड बदलने के संकेत हल्के आ रहे हैं। मैं बहुत अच्छे बोल देता दीपाली, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये एक्सपायरी का हफ्ता है, मुझे एक्सपायरी के हफ्ते में बहुत जल्दी जजमेंट लेना नहीं है, मैं जजमेंट एक्सपायरी के हफ्ते में टालता हूँ बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि कुछ भी होता है उसमें, इसलिए मैंने आंकड़े पॉजिटिव साइड पे जरूर रखे हैं। अच्छा, घरेलू फंड ने फिर से आज थोड़ी सी दमदार खरीदारी की है 515 करोड़ की, नहीं तो खरीद ही नहीं है, 200 ही है, तो ठीक है, और बाकी वायदा कारोबार के आंकड़ों में कहीं कोई समस्या नहीं, तो आंकड़े ठीक है ये। ठीक है, अच्छा वायदा कारोबार के आंकड़े अगर देखें तो आपने जैसे शुरुआत में भी कहा कि है तो ये न्यूट्रल,
तो वो न्यूट्रल क्यों है पहली चीज, और दूसरा पुट कॉल रेशियो आपने शुरुआत में बताया 1.89 के आसपास आया, तो क्या इसको इसी वजह से न्यूट्रल तेजी? अच्छा? ना इसी वजह से, बाकी एक भी आंकड़ा वायदा कारोबार का खराब नहीं है, सिर्फ पुट कॉल रेशियो का मतलब मैं फिर वही कल वाली चीज दोहराऊंगा, कल 1.8 था, आज और बढ़ गया। कोई नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता एक्सपायरी का हफ्ता छोड़ के, तब तो मैं ये बोलता फिर से कि सब कुछ बेच दो, अपना भी बेच दो, दीपाली जी से भी लेके बेच दो, दोस्तों से लेके बेच दो, घर वालों को, मतलब ये वो पुट कॉल रेशियो होता है, और उस पर विक्स देखे 12.5 और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,200, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बेचने का, परफेक्ट, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मतलब आंखें बंद करके आपको जितना बेचना है बेच सकते हो। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कल एक्सपायरी है, तो इसलिए एक्सपायरी के पहले इस पे करेक्ट होगा ही, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि ऊपर रुकेगा, इसलिए आज हमने कल मैंने क्या कहा था कि दोनों मैंने बाय कॉल पहले दिए, शॉर्ट कॉल बाद में दिए, करे तो करे, नहीं करे तो चलेगा, चलेगा राइट, एग्जैक्टली। आज इसीलिए बाय कॉल के साथ शॉर्ट कॉल भी है, ऊपर में एक बार अटक सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही एक्सपायरी के पहले भी है, लेकिन 1.9 का पुट कॉल रेशियो जस्टिफाई नहीं करता, जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन है। जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन में क्या है, एक तरफ आपका कॉन्फिडेंस है तेजी करने का, लेकिन कॉन्फिडेंस तक ठीक है, जब ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो हल्का सा झटका लगा नहीं, कोई भी रीजन से हल्का सा करेक्शन है तो सब पहले डरते हैं कि अरे एक्सपायरी में हम सोच रहे थे बहुत शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी, तेजी होगी, गिर भी तो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा ऊपर के स्तर पे अलर्ट है, और यही वजह से न्यूट्रल है। अच्छा, निफ्टी पे आपने 11,100 का निर्णायक लेवल बताया और 11,200 बताया कि वहां अटक सकता है, क्यों? 11,100 यहाँ पर है 27,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, ये मैं जुलाई सीरीज की बात कर रहा हूँ जो कल एक्सपायर होगी, और 28,00,000 शेयरों का है कॉल्स में, बराबर है, बराबर है ऑलमोस्ट, तो इसलिए ये टसल पॉइंट है। 11,100 के ऊपर है आप, भले 25-30 पॉइंट नीचे भी आ जाएं तब भी आप मजबूत है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 11,100 के नीचे जाएंगे तो ही कमजोर होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 11,200 पे क्यों रुकेंगे, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 32,00,000 शेयरों का, भले कम है, क्योंकि एक तरफ आप निफ्ट पुट में देखेंगे तो 55,00,000 शेयरों का है 11,000 पर, वो बड़ा है, तो यानी कि तेजी की पोजीशन ज्यादा है, लेकिन दिक्कत यह कि मंदी करने वाले डरे हुए हैं और वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटने को तैयार रहते हैं ऊपर की तरफ, तो 11,200 को पार करना एक बार थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा रुकेंगे वहां पर, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, और देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लंबे समय बाद आप जब 29 जनवरी के बाद आज ये लेवल देखेंगे तो फिर नेचुरली थोड़ा तो रुकेंगे ना, तो वो रुकने के संकेत आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं। ये है आपके लिए निफ्टी की राय। निफ्टी में आप देखिए प्रीमियम 8 पॉइंट की थोड़ी सी घटकर आई है और 8,00,000 शेयर नए जुड़े हैं, रोल ओवर्स जो है 36% के आसपास के निफ्टी में रहे हैं अभी तक। अच्छा, अब बैंक निफ्टी बता दें। हाँ बताइए, बैंक निफ्टी 27,000 निर्णायक लेवल है, क्यों है? 27,000 के पुट में 7,00,000 शेयर है और कॉल्स में 8,00,000 शेयर लगभग बराबर है, और 27,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है, और 27,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाता तो वापस रिकवर भी करता है, तो 27,000 के आसपास काफी वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, कल भी हमने ये देखा और क्लोजिंग भी 27,000 के आसपास हुई है, थोड़ी सी नीचे 25 पॉइंट नीचे, ठीक है ना, तो इसका मतलब 27,000 थोड़ा सा अहमियत वाला लेवल है जो मूड डिसाइड करेगा हम तेजी में हैं या मंदी में। नीचे की तरफ 26,800 यहाँ पर जो पोजिशन बनी है उसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो 26,750 की रेंज हो सकती है। ऊपरी स्तरों पर 27,200 के पार जाएगा नहीं निफ्टी, तो 27,100 से 27,200 के रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आना शुरू हो जाएगी। 27,200 पर 10,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो दीपाली बड़ा है, वहां पर बाजार को अटकना है, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है बैंक निफ्टी के लिए भी। दोनों में अगर आप अंदाजा लगाना चाहें मजबूती का, तो मजबूती का अंदाजा यह है कि निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कम मजबूत है, बैंक निफ्टी कमजोर है, निफ्टी मजबूत है, तो वो साफ नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए वो आ नहीं है, जो कल भी एक्सपेक्टेड थी। हाँ, अब दो चीज हो सकती है, या तो बैंक निफ्टी थोड़ा और कमजोर होकर निफ्टी को नीचे खींच ले, या दूसरा ये हो सकता है कि निफ्टी मजबूत होकर बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करवा, क्योंकि निफ्टी में अब शॉर्ट्स कम बचे, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स ज्यादा है, तो अब देखना होगा इंटरेस्टिंग क्या होता है, बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स कवर होने आते हैं या निफ्टी में जो तेजी की पोजीशन है वो थोड़ी हल्की होती है, दोनों चीजें हो सकती है, किस भी तरफ हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यह कि आपको सिंपल वायदा कारोबार के ट्रेडर हैं, पहली बात तो ये कि कल जैसा हम कह भी रहे थे कि निफ्टी में आपको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, देखिए अब निफ्टी ने इतना ज्यादा बड़ी रेंज दिखाई भी नहीं, मुश्किल से 40 पॉइंट की 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया, और 50 पॉइंट में भी आप खाली
अगर एक्सट्रीम मूव पकड़ सके, एकदम सही लेवल पर लेयर सही लेवल पर बेचे तो 40 पॉइंट मिलते हैं। तो इस कल निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आज निफ्टी में 50 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है, ऐसा लगता बेटर है। ट्रेडिंग का मौका, हाँ, आज निफ्टी में ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। 9:08 पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे स्ट्रेटजी पर, जब इंडिकेटिव एक्शन में लेवल्स फ्रीज होंगे और रुपए की शुरुआत भी हो चुकी होगी। तो 9:08 पर दोबारा स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी, लेकिन स्टॉक ऑफ द डे की ओर रुक करें, उससे पहले फटाफट से रिजल्ट्स पर बात कर ले। एशियन पेंट्स कैसे लग रहे हैं नतीजे? मजबूत रिजल्ट्स है, बहुत ही बेहतरीन है, रिजल्ट्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, और जैसा कि उम्मीद थी वैसे 20% के आसपास के मार्जिन्स बहुत अच्छे कहे जाएंगे, वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त है बिल्कुल, और हर एक लेवल पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म किया एशियन पेंट्स ने, लेकिन स्टॉक की प्राइस में वो नतीजे हैं भी, ये भी ध्यान पहले से चल रहा था। हाँ, देखिए ना आप 1470 रुपए के आसपास स्टॉक में वो अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन हाँ इस इन नतीजों के दम पर डाउनग्रेड्स नहीं आएंगे, अपग्रेड आएंगे, टारगेट बढ़ेंगे, लेकिन अब आपको खरीदना नहीं है, अब अगर और ऊपर खुले मजबूत हो तो वहां पर और आपने लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए, गैप से खुलने के बाद अब ना खरीदें, अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये नतीजे अच्छे हैं, किसी भी लिहाज से खराब नहीं, लेकिन प्राइस में है। ठीक है, प्राइस में है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इसके नंबर्स भी कल मिक्स से नंबर है, इसमें अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो नंबर अच्छे नजर नहीं आएंगे हर एक लिहाज से, लेकिन आप ये देखिए स्टॉक भी 100 रुपए टूट चुका है, तो स्टॉक में खराब नंबर्स हैं। ऐसा लगता है कि एशियन पेंट्स और आईसीआईसी प्रू के केस में ऐसा हो सकता है कि जैसा स्टॉक खुले उसके बाद उसके विपरीत रिएक्शन लेने की कोशिश करें, तो आईसीआईसी प्रू अगर नतीजों के बाद ज्यादा खराब खुलेगा तो निश्चित तौर से रिकवर करने की कोशिश भी करेगा। रिजल्ट्स अगर अंदर डिटेल में जाके देखेंगे तो क्वालिटी वाइज उतने बुरे नहीं है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट रिजल्ट बहुत ही खराब है, तो ये कमजोर खुलेगा तो शायद निचले स्तरों पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे। नंबर्स खराब है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खाली ऊपर ऊपर के मुनाफे के ये आंकड़े, प्रीमियम से रिलेटेड जो थोड़े अंदर के आंकड़े वो उतने बुरे नहीं है, तो हो सकता है निचले लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स पर स्ट्रेटजी होगी आज की, लेकिन अब यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे का। आज का स्टॉक ऑफ द डे बताने से पहले एक बार कल एलएनटी का हाल देख ले, क्योंकि एलएनटी जैसा दिग्गज स्टॉक उस पर टारगेट देना और दोनों टारगेट्स अचीव होना, कभी कभी दिन होता है आपका, मेरा दिन था, तो एक बार दिखा देते हैं व्यूअर्स को, तो देख लेते हैं एलएनटी कब आपको बताया गया था। एलएनटी ये है स्टॉक जो रिजल्ट के पहले एक मौका आपको खरीदारी का दे सकता है। स्टॉप लॉस 1265 का है, टारगेट पहला 1295 है और दूसरा 1310 है। स्टॉक ऑफ डे का जो पहला टारगेट है वो तो अचीव हुआ है 1295 एलएनटी। आप पूछ भी रहे थे जब जहाँ खुले वहाँ क्या, एलएनटी की परफॉर्मेंस तो दमदार रही, लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे ये कौन सा चुना है आपने? आज का स्टॉक ऑफ द डे है हेक्सावेयर। अच्छा, और हेक्सावेयर शॉर्ट साइड पर है, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे बहुत खराब दिख रहे हैं, और हेक्सावेयर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि माइंडट्री जैसा केस हो सकता है, क्योंकि माइंडट्री के गिरावट की वजह उनके सीएफओ का रेजिग्नेशन भी था जो यहां पर नहीं है, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से देखें तो माइंडट्री और हेक्सावेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, उतने ही खराब रिजल्ट हेक्सावेयर के भी है जैसे माइंडट्री के थे। तो दो तीन चीजें जो बताना चाहता हूं, पहला मार्जिन्स बहुत ही खराब आए, 14% से घटकर 13.9% बराबर है, लेकिन मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होने की उम्मीद थी वो आया नहीं है। दूसरा रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन उम्मीद से बेहतर आना चाहिए था वो नहीं आया। ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट उम्मीद से कम आया है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दीपाली, 2021 के मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, हेक्सावेयर इतने महंगे वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड करेगा इन्फोसिस से ज्यादा, ऐसी क्या वजह? करेक्ट, अगर इन्फोसिस 17-18 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, टीसीएस समझ में आता है 25-26 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हेक्सावेयर को क्या जरूरत है ऐसा ट्रेड करने की? तो हेक्सावेयर के वैल्यूएशन महंगे। अच्छा, स्टॉक भागा हुआ है, आप थोड़ा सा चार्ट देख लीजिए, महीने दो महीने का चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में किस तरह की तेजी बनी हुई है। तो ऐसे में हेक्सावेयर बेचना है आपको, शॉर्ट करना है। टारगेट बता दूं और स्टॉप लॉस बता दूं आपको, टारगेट मैंने 3 दिए हैं, पहला 480 शायद उसके आसपास ही खुलता हुआ दिखे, दूसरा 465 है, अब 465 खुलेगा तो फिर हम रिव्यू करेंगे, तीसरा टारगेट 450 का है। तो आप किस लेवल पर शॉर्ट कर पाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये तीन टारगेट 480 और 465 के टारगेट को लेकर तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
450 का भी देखेंगे स्टॉप लॉस कहाँ पे और हाँ स्टॉप लॉस 505 तो 480 465 और 450 तीन टारगेट है और ये सारे फ्यूचर्स के लेवल है तो बहुत गैप से खुल जाए तो देखेंगे क्या करना है बट अदरवाइज इन टारगेट्स के लिए हेक्सावेयर को शॉर्ट करना चाहिए ठीक है तो आज का एक्सीडेंट ना हो जाए देखते हैं एक्सावेयर आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि कमजोर हो सकता है रिजल्ट्स के बेसिस पे 480 465 450 ये तीन टारगेट्स है 505 का आपको स्टॉप लॉस रखना पूरी टीम है तैयार आपकी मदद करने के लिए पूजा बताएंगी खबरों वाले शेयर और डिम्पी बताएंगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स रजत के पास भी रिजल्ट्स हैं और बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में शुभम अग्रवाल जी और विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से आप सबका स्वागत है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नतीजों के साथ रजत बताइए कल बाजार बंद होने के बाद आए दमदार अहम नतीजे बिल्कुल आईसीआईसी प्रूडेंशियल जिसके बारे में आप बात कर रहे थे बहुत मिले जुले सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं लेकिन जो मुनाफे की फिगर घट गई है 3.5% उसका असर हो सकता है स्टॉक पे देखने को मिले मुनाफा 281 करोड़ यहां पर पहुंचा है और ये 30% नीचे है हालांकि नेट प्रीमियम में लगभग 12.8% का इजाफा देखने को मिला है लेकिन क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए और उसको प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर पाए ये तो उसका असर इस बार के नतीजों पे देखने को मिला सिम्फनी ये बिल्कुल हर पैरामीटर पे नतीजे खराब हैं सिम्फनी के तो उसको आज फोकस में रखें मुनाफा 39 करोड़ से घटकर 20 करोड़ पहुंचता हुआ नजर लगभग 48% का ड्रॉप है मुनाफे के फिगर में बिक्री 23% घटी है और ऑपरेटिंग लिहाज से तो बहुत कमजोर नतीजे हैं लगभग 39% एबिटा में गिरावट देखने को मिली है और मार्जिन भी 11.6% यानी करीब करीब 3% का मार्जिन पर डेंट पड़ गया बीती तिमाही में तो सिम्फनी खराब नतीजे हैं राने ब्रेक इन्होंने डिसअपॉइंट किया है इस बार इनफैक्ट इस बार अगर सालाना आधार पर देखें तो 10% मुनाफे की फिगर घटी है आय 7% जरूर बढ़ी है लेकिन ऑपरेटिंग लिहाज से अगर देखें तो एबिटा की जो फिगर है वो 12 मार्जिन जो है वो 12% आए हैं 13.6% से ये घटे हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लिहाज से अच्छे नतीजे नहीं दिखाई दे रहे राने ब्रेक के KSB पम्प्स अगर मैं सभी नतीजे देखूं तो उसमें KSB पम्प्स एक ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे सबके मुकाबले बेहतर नजर आ रहे हैं आज मुनाफे की फिगर लगभग 40% बढ़ी और ये 21 करोड़ पहुंच गई है आय 21% बढ़ी है और ऑपरेटिंग लिहाज से देखें तो मार्जिन इन्होंने 11.3% के आसपास मेंटेन करे हैं KSB पम्प्स पे नजर रखनी होगी टीम लीज अगर तिमाही दर तिमाही आधार पर टीम लीज के नतीजे देखें तो लगभग 3% मुनाफे की फिगर बढ़ी है और आय में 4.5% का इजाफा देखने को मिला है मार्जिन इनके आए हैं 2.2% जो फ्लैट समझे जाएंगे अगर आप तिमाही दर तिमाही आधार पर कंपेयर करेंगे और आखिर में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट देखिए इस कंपनी में ये जो बायबैक की खबर है ये स्टॉक को आज बचा लेगी क्योंकि 57 करोड़ का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया जो 385 रुपये प्रति भाव पे मौजूदा भाव से 85 रुपये ऊपर का है लेकिन आप नतीजे देखें तो तिमाही दर तिमाही आधार पर बहुत अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं 70 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ ये मुनाफा आपको सालाना आधार पर मैं बता रहा हूँ मुनाफा जो 10 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ नजर आ रहा है लेकिन अब तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो 16 करोड़ से घटकर मुनाफा 13.5 करोड़ हुआ है बायबैक की खबर है ये म्यूजिक ब्रॉडकास्ट के लिए आज पॉजिटिव है तो अच्छे नतीजे हैं एशियन पेंट्स टीम लीज बोरोसिल ग्लास म्यूजिक ब्रॉडकास्ट KSB पंप्स के राने ब्रेक सिम्फनी हेक्सावेयर ये नंबर्स कमजोर रहे हैं लेकिन अब पूजा के पास चलते हैं और जान लेते हैं खबरों वाले स्टॉक्स बताइए पूजा BEL पर नजर रखिए आज आप सरकार की हिस्सेदारी बेचने की योजना है करीब 5% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी और आपको बता दें करीब 66% स्टेक ऑलरेडी है गवर्नमेंट का और बैंकर्स की नियुक्ति भी जल्द करेगी और इसके अलावा कंपनी सरकार की करीब 1300 करोड़ रुपए इस स्टेक सेल के जरिए जुटाने की योजना है तो BEL पर नजर रखिए आप कुछ फंड एक्शन भी देखने को मिले हैं क्वालिटी में प्रमोटर्स की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई है प्रमोटर ने करीब 1.3% हिस्सा बेचा है कंपनी का और अदानी एंटरप्राइजेस में भी एक फंड एक्शन देखने को मिला है एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्प की तरफ से यहां पर हिस्सेदारी बेची गई है करीब 0.7% की हिस्सेदारी 173 रुपए प्रति शेयर पर यह हिस्सेदारी बेची गई है तो क्वालिटी अदानी एंटरप्राइजेस फंड एक्शन के चलते आज फोकस में रहेंगे और 8K माइल्स पर नजर रखिए पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को मिल रहा है और अब कंपनी को इस उतार चढ़ाव के चलते ASM फ्रेमवर्क में भी शामिल कर लिया गया है और आखिर में बात करते हैं पोलारिस कंसल्टिंग की आज से कंपनी का शेयर डीलिस्ट होगा तो ये हैं खबरों वाले स्टॉक्स जिन पर आपको फोकस करना है लेकिन डिम्पी है हमारे साथ उनसे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जानेंगे उससे पहले एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ शामिल हैं उनकी ट्रेडिंग पिक्स पूछ लेते हैं विकास सेठी हैं शुभम अग्रवाल हैं और राकेश बंसल हैं मिस्टर सेठी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप छोटी अवधि लंबी अवधि सबके नजरिए से कॉल्स देते हैं तो बताइए आज आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं गुड मॉर्निंग दीपाली गुड मॉर्निंग अनिल जी जहां तक आज के लिए सवाल है मेरी पांच स्टॉक आइडियाज हैं जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी सबसे पहला स्टॉक रहेगा L&T जो थोड़ी देर पहले जिक्र भी हुआ था कल का शायद आपका स्टॉक ऑफ द डे था स्टॉक ने कल बेहतरीन एक मूव दिया है और आज इसके नतीजे आने वाले हैं
मुझे लगता है नतीजे शानदार रहेंगे, तो उसी तर्ज पे कल के जो मूव है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक रहेगा बजे पेंट्स, एशियन पेंट्स के हमने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे देखे, नतीजे बेहद ही शानदार थे। और जैसे थोड़ी देर पहले अनिल जी बता रहे थे कि चूंकि स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हो गई है, तो वहां पे और तेजी की उम्मीद नहीं है, या फिर तेजी से खुलता तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए। बट बर्जर पेंट्स जिसके की नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, और हम एशियन पेंट्स के नतीजे को अगर एक्स्ट्रापोलेट करें तो मुझे लगता है वहां से भी बहुत अच्छे नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए, और उस लिहाज से बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तीसरा स्टॉक रहेगा टाइटन, ये स्टॉक भी काफी अपने ऊपरी लेवल से पिटा हुआ है, कल एक थोड़ी हल्की सी रिकवरी इसमें शुरू हुई है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू होनी चाहिए, और इस स्टॉक में यहां से एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। इसके भी नतीजे 3 अगस्त यानी कि अगले फ्राइडे को आने वाले हैं, मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे, तो इट कुड बी अ रिजल्ट्स प्ले, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील, जिस तरह से मेटल स्टॉक्स में अपने निचले लेवल से जो एक रिकवरी शुरू हुई है, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। कल चाइना की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, तो उसका एक पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी मेटल स्टॉक्स में था, और मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील आज कल की तेजी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी तेज रहना चाहिए। और पांचवा स्टॉक रहेगा एक फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी है जीएसएफसी, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, स्टॉक पिटा हुआ है, और फिर कुछ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बातें हो रही है, तो उसका भी एक मेजर बेनिफिट इस कंपनी को रहेगा, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे जीएसएफसी पे भी खरीदारी करनी चाहिए। शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ है, शुभम आप बताइए आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग दीपाली, दो कॉल है और दोनों ही आज ऑप्शंस में है। सो जो पहला कॉल है वो भारतीय एयरटेल पर है, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहा है काफ़ी समय से, और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पहले एक समय पे हुआ करता था वो था 360-365 का लेवल, बट कुछ समय पहले हमने देखा कि वो लेवल भी ब्रीच हो गया था और टेलीकॉम में एक सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है। रिसेंटली जो पुल बैक हुआ है, फिर से जो रेजिस्टेंस है 360 का, उसके आसपास कल स्टॉक ने रिटच किया और वो क्वेश्चन है कि डाउन ट्रेंड यहाँ से फिर से रिज्यूम होने वाला है, तो मेरी सलाह होगी कि 340 का पुट, बट ये अगस्त सीरीज का हमें खरीदना होगा, यहाँ पे खरीदारी करके चलें, 10 रुपये के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, 20 रुपये के टारगेट के लिए और 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। जो दूसरा कॉल है वो IDBI पर है, IDBI कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था बट वहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिला था और स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया था, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा वहाँ पे चार्ट पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑप्शंस का अगर हम डेटा देखें तो 42.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट था कॉल में, और कल के सेशन में 9.5 लाख शेयर वहाँ पे रिडक्शन हुआ है कॉल के ओपन इंटरेस्ट में, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स जो 60 के लेवल पे बने हुए थे अब उनको हेजिटेशन होना शुरू हो चुका है, और वहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि 60 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है जुलाई सीरीज का वो खरीदना चाहिए, 1.20 रुपये का अभी भाव चल रहा है, 3 रुपये के टारगेट के लिए और 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो एक में पुट खरीदना है, एक में कॉल खरीदना है, भारतीय एयरटेल का पुट खरीदिए अगस्त वाला, और IDBI का जुलाई का कॉल आज ही वाला खरीद लिया, आई मीन कल वाला, 1.15 रुपये में मिल रहा है 60 रुपये में, ये भी स्पेशल 46 है IDBI बैंक, ये तो स्पेशल 46 में है, तो इंटरेस्ट है। देखो एक मिनट, एक चीज बताइए, 60 वाला कॉल शुभम जी, ये तो 46 फिजिकल सेटलमेंट वालों में है, तो फिर कल क्या है 3:30 के पहले पहले इसको खत्म करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, नहीं तो डिलीवरी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सो इसका फिजिकल सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक और क्लॉज है कि 3 स्ट्राइक इन द मनी को आप वो एग्जेम्प्टेड है, आप अपने ब्रोकर को बोल सकते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज ना करें, तो इसमें जो इम्पैक्ट आएगा फिजिकल सेटलमेंट के चलते, जब तक 3 स्ट्राइक इन द मनी जाता है तब तक तो मुझे लगता है 3 रुपये का टारगेट आराम से हमें देखने को मिल जाएगा, बट बाकी स्टॉक्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिजिकल सेटलमेंट से बचने का तरीका ये है कि जब भी आपका ऑप्शन डीप इन द मनी जाना शुरू होता है तब आप ऑप्शन का स्ट्राइक शिफ्ट करते जाएं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से और तेजी बनेगी और आपको वो ट्रेड में बने रहना है तो आप स्ट्राइक शिफ्ट करते जाएं, बिकॉज क्या होगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्सपायरी वाले दिन मैं फिजिकल सेटलमेंट नहीं लूंगा और मैं पहले स्क्वायर ऑफ कर दूंगा ट्रेड को, तो बाजार एक चीज को बिल्कुल डिस्काउंट करेगा कि जो ऑप्शंस खरीद रहे हैं डीप इन द मनी, जो लास्ट में जो बायर होंगे एक्सपायरी वाले दिन, उनको डिलीवरी लेना पड़ेगा, और उस चीज़ का जो डिस्काउंटिंग है
वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड करेंगे, ये मेरा अनुमान है। हालांकि पहला एक्सपायरी है तो हमें भी देखना पड़ेगा, बट मेरा अनुमान तो ये है कि वहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप लास्ट में स्क्वायर ऑफ करने चाह रहे हैं तो आपको हो सकता है कि सस्ता ऑप्शन बेचना पड़ जाए। तो मेरी सलाह होगी कि जो भी आपका ट्रेड है आप स्ट्राइक शिफ्ट करते चले जाएं, जितना हो सके एटीएम के पास आप उसको शिफ्ट करते चले जाएं, आपको ट्रेड में भी बने रहने का मौका मिलेगा और फिजिकल सेटलमेंट से भी आप बच पाएंगे। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। राकेश बंसल और कुणाल सरावगी भी हैं। राकेश गुड मॉर्निंग, आप बताइए फटाफट से अपनी कॉल्स। गुड मॉर्निंग दीपाली। दीपाली मेरा पहला कॉल गेल पर है, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। दो दिन पहले भी मैंने स्टॉक को दिया था, अब स्टॉक एक ब्रेकआउट लेके एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। गेल को खरीदना चाहिए, 355 का स्टॉप लॉस, 383 का टारगेट। दूसरा एक बाय कॉल एचसीएल टेक पर है, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, 967 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 1038 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए एचसीएल टेक को बाय करें। और लास्ट एक बाय कॉल एमएनएम, जिसको कल क्लोजिंग के समय भी मैंने दिया था, स्टॉक एक अच्छा बेस बनाया है 900 रुपीज के अराउंड, और मुझे लगता है इस सीरीज में स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है, 950 के टारगेट के लिए एमएनएम को बाय करें। गेल, एमएनएम, एचसीएल टेक और एचसीएल टेक, मतलब तीनों निफ्टी के स्टॉक है। तीनों निफ्टी के स्टॉक, तो आज लाइफ टाइम हाई बन गया निफ्टी में। अनिल जी का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग तो हो ही गई है और आज नया लाइफ टाइम हाई भी लग जाएगा 11171 के ऊपर। बिल्कुल पक्का ना? पक्का। चलिए तो फिर कुणाल जी की भी पिक्स ले। कुणाल जी बताइए। देखिए अनिल जी, चार बाय कॉल्स हैं मेरी भी, जिसमें सबसे पहले एनआईटी टेक, जिस पर मैंने और राकेश जी ने जुगलबंदी कॉल दी थी, और मुझे लगता है कि एनआईटी टेक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 1276 का टारगेट है, 1165 के स्टॉप लॉस से एनआईटी टेक लेना चाहिए। बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इसमें हमने कल भी देखा था और मुझे लगता है कि कंटिन्यूड बाइंग एक्शन आज भी दिखेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिस पर राकेश जी ने कल बाय की कॉल दी थी, मुझे लगता है कि आज 1300 तक के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे, आज नहीं तो कल तक आ जाएंगे। स्टॉप लॉस 1240 पर रखकर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लेना चाहिए। पिरामल एंटरप्राइजेस, बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें कल आया था और आज भी मुझे लगता है कि कंटिन्यूड बाइंग एक्शन दिखेगा। 2770 का टारगेट होगा, 2680 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय की राय है। और अंतिम बाय की कॉल है उज्जीवन में, जिसमें कि कल लेट आर बाइंग हमने देखी थी और एक ब्रेकआउट चार्ट पर आते हुए दिख रहा है। 403 का मेरा टारगेट है, स्टॉप लॉस 385 पर रखकर इसमें भी खरीद की राय। अच्छा, लेट आवर से याद आया, अब अक्टूबर से लेट आवर्स काम करना शुरू करना। आ गई आज खबर आ गई है। तो विकास जी तैयार है आप 1 अक्टूबर से? हाँ, बीच में सुन रहे हैं एक लंच ब्रेक मिलेगा, 3:30 से 5 के बजे तक आराम करने को मिलेगा, उसके बाद फिर से काम करना। क्या करेंगे आप, मतलब काम करेंगे या रिटायर हो जाएंगे? नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, रिटायर होने की अभी उम्र भी नहीं हुई है और काम तो करना पड़ेगा, पर काफी दिक्कतें होने वाली है। आदमी दो तरीके से रिटायर होता है, एक तो स्क्रीन के सामने टाइम रहता है। आदमी दो तरीके से रिटायर होता है, एक तो कि उम्र के हिसाब से, और दूसरा कि भाई इतने पैसे कमा लेंगे अब काम करना। मैं दूसरे वाले के हिसाब से पूछ रहा था आपको, उम्र के हिसाब से नहीं पूछ रहा था कि भाई पैसे कमा लिए अब तो क्या है। नहीं 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 बिल्कुल, बट फिर भी बिजी रहना जरूरी है, बट जो रेगुलर टाइम है वहां तक तो काम करेंगे, उसके बाद देखते हैं, लेट इट स्टार्ट, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है, करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो देखते क्या कुछ होता है। लेकिन अब संकेत आ गए हैं कि 1 अक्टूबर से तैयारी कर लीजिए, लंबे वर्किंग आवर्स की, इंटरेस्टिंग होगा। ओके चलिए, लेकिन इस बीच इस वक्त एफआई ब्रोकरेजेस का काम बढ़ा हुआ है, रिजल्ट सीजन में रिपोर्ट्स बहुत निकालनी पड़ती है, तो डिम्पी के पास ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। बताइए डिम्पी, किन शेयरों पर आज रिपोर्ट्स आई हैं? अनिल जी आज शुरुआत पहले फिर से फार्मा से कर रहे हैं। फार्मा में सन फार्मा, सिप्ला, अरविंद और टॉरेंट फार्मा, ये क्रेडिट स्विस को पसंद है, उन्होंने 4 शेयर दिए हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि इस पे आप एक बार देख सकते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका में ग्रोथ अच्छी मिलेगी इस बार फार्मा कंपनीज के लिए, चारों नाम उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स जो लगातार सेल है, सिटी ने भी कहा इसको सेल कर दीजिए, उन्होंने भी कहा कि इसकी सेल रेटिंग के साथ हम जाना चाहेंगे। लक्ष्य भी घटा दिया, पहले 575 था, अब 500 के नीचे 480 कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन मिलेगा, मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे तो दिक्कत खड़ी होगी, आप इसको बेचिए। सीएलएससी इन्फो एच पे कल नंबर आए थे, उसके बाद से बाय रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य इसने 1700 कर दिया। इन्होंने कहा है कि आगे चल के ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन इसका बेनिफिट मिलेगा, बिलिंग ग्रोथ भी आगे चल के अच्छी मिलेगी, तो इन्फोएच पे सीएलएस से बुलिश दिख रहा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पे, सीएलएस से ये कहता है कि ये 1460 से टारगेट को बढ़ाकर 1600 तो कर दिया, लेकिन उसने ये कहा है कि हम रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि शेयर 3 महीने में 25% चल चुका है, इसलिए रेटिंग तो डाउनग्रेड है बट लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है।
तो सीएलसी की आज रिपोर्ट दोनों हिस्सों से आप जरूर देखिएगा, वैसे ठीक है लेकिन रेटिंग थोड़ी गिरी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है आईसीआईसी प्रोडेंशियल, जिसके नंबर्स मिक्स बता रहे हैं रजत, उसमें नमूरा की एक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा बाय करके रखते हैं और इसमें जो इंश्योरेंस का इनके टॉपिक भी यही है जो आईसीआईसी प्रोडेंशियल है, 550 का टारगेट है, उनका कहना है कि 16% इसका अभी भी प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा, इसका बेनिफिट इसको मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पे भी सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, लक्ष्य उन्होंने 800 से घटाकर 650 कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो इस बार मार्जिन्स में श्रिंक देखा वो वन ऑफ था, लेकिन मार्जिन्स आगे चल के मेंटेन रहेंगे। आउट परफॉर्मेंस रेटिंग इनकी बरकरार है, सिर्फ लक्ष्य को कम कर दिया है, वो है 650 का। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है आरबीएल बैंक, इस पे एक रिपोर्ट आई है दोष बैंक की, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू कर दिया, 675 टारगेट दे रहे हैं, एनपीए को लेकर चिंताजनक कोई भी नहीं इनको दिख रही है और 30% की सालाना ग्रोथ जो लोन बुक में दिख रही है वो बड़ा बेनिफिशियरी है। आरबीएल बैंक पे भी एक रिपोर्ट है, दार रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर इन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। लेकिन अब फटाफट से जो खबरों वाले स्टॉक्स हैं उन पर राय लेना शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुभम एक राय दीजिए अदानी एंटरप्राइजेस पर, लगातार दौड़ा है ये स्टॉक और जी बिजनेस ने तो 110-115 के लेवल से स्टॉक को कवर भी किया है, आज ये एफएनडो बैन में भी शामिल हो रहा है और खबर यह है कि एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 80 लाख शेयर बेचे हैं इसके, आज के लिए क्या रणनीति आप सुझाएंगे? दीपाली एक बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड और मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, मुझे याद है कि ये स्टॉक में हम 115 पे बात कर रहे थे, तब मैंने 155 तक का टारगेट दिया था जो कि काफ़ी पहले अचीव हो चुका है, तो अब यहाँ पे तो डेफिनेटली कोई फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं होगी, बिकॉज जो अपसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है और डाउन साइड में स्टॉप लॉस आसपास में कहीं पे है नहीं, हमें काफ़ी दूर एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर किसी के पास ट्रेड ऑलरेडी है और अगर आज कोई सेलिंग प्रेशर अगर यहाँ से बनना शुरू होता है तो पहला इंडिकेशन होगा कि स्टॉक 178 के नीचे जाना चाहिए, तब आपको एक वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। हालांकि अपसाइड मुझे लगता है कैप्ड है 190 से 195 के ऊपर, तो उसके पार जा पाना भी बहुत मुश्किल है, तो मेरी सलाह होगी कि ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करते जाएं, करंट लेवल पे भी थोड़ा बुक कर ले और अगर थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है 190-195 के बीच तो वहां पे पूरा क्वांटिटी आप एग्जिट कर सकते हैं और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको अब ट्रेड में रखना है वो 178 का है। अब वक्त आ गया प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, हो गया बहुत, क्यों क्या कहेंगे आपको? बिल्कुल मुझे भी लगता है नहीं, ये देखिए रेजिस्टेंस है 192-193 के आसपास, इसकी बात हम करते आए हैं और 186 का लेवल हो ही गया है, मतलब आगे आपकी मर्जी, हमारा काम खत्म क्यों सही है तो आज मैं बहुत सारी चीजों में काम खत्म कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं सुबह से यही बोल रहा हूँ कि देखिए एलएनटी भेल में भी आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदानी में भी कर लीजिए। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, चार मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और फोकस करते हैं खबरों वाले स्टॉक्स पर और पीवीआर आईनॉक्स लीजर ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन मिस्टर सेठी पीवीआर पर क्या करेंगे, नतीजे भी आने हैं आज, महाराष्ट्र कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है आउटसाइड फूड को अंदर ले जाने के ऊपर, कल ये स्टॉक रिकवर हुआ था निचले स्तरों से, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? देखिए दीपाली स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, दोनों ही खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां तक नतीजों का सवाल है इस क्वार्टर में नतीजे को कंपेयर करना होगा पिछले साल के इस क्वार्टर पे जहां पे बाहुबली 2 रिलीज हुई थी और इस क्वार्टर में जो ब्लॉकबस्टर मूवीज थी उनमें एवेंजर्स थी एक, फिर रेस 3 थी, फिर एक रजनीकांत की मूवी थी काला संजू, मेरे ख्याल में ये जो करंट क्वार्टर में आएगी, तो उस लिहाज से रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहने चाहिए बिकॉज बाहुबली 2 का जो बेस है वो काफी बड़ा है, और बाकी ये जो खबर है महाराष्ट्र कोर्ट का ऑर्डर ये तो मेक और ब्रेक न्यूज रहेगी, अगर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, बाकी अगर नेगेटिव आता है जो ऑलरेडी काफी दिनों पहले आ चुका है और प्राइस डिन है तो वहां पे गिरावट बहुत ज्यादा नहीं लगती, बट सडनली सेंटिमेंटली वो एक वापस से ब्रेकडाउन रहेगा, तो बहुत ही वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, तो उस लिहाज से मैं आज के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये बताइए ये इतनी जो सारी फिल्मों के नाम आपने बताए है इस क्वार्टर में जो रिलीज हुए पिछले साल इसी क्वार्टर में रिलीज उनके भी बता दिए आपने, मतलब इतने नाम बताने के पीछे तो दो ही वजह हो सकती है, या तो आपका फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट है या फिर पीवीआर के स्टॉक में, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है या दोनों में? नहीं देखिए फिल्मों में भी इंटरेस्ट है बट उतनी ये सब फिल्में देखी हुई नहीं है, देखता नहीं हूँ, बट पीवीआर में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है और इसके
चूंकि आज ही नतीजे हैं तो इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा गौर से देखा है, तो मुझे पता चला कि बाहुबली 2 पिछले साल इसी क्वार्टर में रिलीज हुई थी, इसलिए बेस का थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, तो उस लिहाज से थोड़ा पीवीआर में ज्यादा इंटरेस्ट है, उस लिहाज से मैंने ये सब पक्का है ध्यान रखा है। वो तो पक्का है, देखो खाली फिल्मों में इंटरेस्ट होता ना, आदमी देख के भूल जाता था कब देखी थी क्या देखी, इतना याद नहीं रखता किस क्वार्टर में देखी थी, किस क्वार्टर में देखी, वो तो वो याद रखता है जिसका शेयर में इंटरेस्ट हो। चलिए बढ़िया, लेकिन आप इतनी इनडेप्थ रिसर्च करके बताना भी बड़ी बात है, तो ये चीज तो है ही है। अच्छा, एक और स्टॉक जो रिजल्ट के बाद शायद थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखे, तो शुभम जी जरा इस पर बताइए, आईसीआईसीआई प्रू, इसके लिए रेंज बताइए, ऊपर और नीचे की रेंज क्या है, और अगर कमजोर खुले तो क्या खरीदना चाहिए या मजबूत खुले तो बेचना चाहिए, क्या ट्रेड क्या बनेगा इसमें, क्योंकि रिजल्ट ऐसे तो थोड़े खराब ही दिख रहे हैं, लेकिन नोमुरा ने इसको बेस्ट पिक बताकर 550 रुपए का टारगेट देकर थोड़ा कंफ्यूज कर दिया अभी। अनिल जी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए देखें तो मुझे लगता है कि 350 से 360 का जो रेंज है वहाँ पे बिल्कुल एक टेम्पररी बॉटम एटलीस्ट वहाँ पे बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और स्टॉक ने जिस तरह से एक अपमूव दिया है रिजल्ट के पहले तो वो भी इनकरेजिंग है, तो मुझे लगता है नियर टर्म में 350 टूट पाना तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए, अगर गिरता भी है और अगर 365 के नीचे आता है तो मेरी सलाह होगी कि वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, जहाँ पे 15 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि अगर हम स्टॉक को थोड़ा समय दें 2 से 3 हफ्ते का, तो हो सकता है 405 से 410 का लेवल वहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, तो करंट लेवल पे रिवॉर्ड टू रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है, बट अगर 365 तक आता है रिजल्ट के बाद का रिएक्शन तो मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने के लिए। ठीक है, तो 365 के आसपास खरीदा जा सकता है ये स्टॉक, लेकिन नोमुरा कंफ्यूज नहीं कर रहा है, इनफैक्ट अभी कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए क्योंकि नोमुरा के साथ साथ सीएलएस का भी भरोसा है, 560 के टारगेट के साथ नतीजों के बाद सीएलएस ने भी खरीदारी की सलाह दी है। ठीक है, तो हाईएस्ट टारगेट सीएलएस के, जो मैं सोचा था रिजल्ट उतने खराब है नहीं, जितने फेस पे दिख रहे उतने खराब नहीं है, अच्छा है, फिर नीचे खुले तो फिर एक मौका बनेगा शायद, इसीलिए प्रोग्रेसिव का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन बीईएल मिसिसिपी इस पर आए दीजिए, 5% ओएफएस के जरिए सरकार हिस्सा बेचेगी, ये खबर इस स्टॉक के लिए कितनी अहम है, कल रिकवर हुआ था, आज कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए दिवाली इस तरह की जो खबरें होती है वो स्टॉक के लिए आमतौर पे नेगेटिव ही होती है, तो उस लिहाज से स्टॉक पे थोड़ा दबाव रहना चाहिए, बट स्टॉक काफी पिट चुका है, बहुत अच्छी खासी गिरावट के साथ इन लेवल्स पे ट्रेड करता है, जहां पे वैल्यूएशंस के लिहाज से अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है नॉर्मली अगर ये ऊपरी लेवल पे ये खबरें आती तो काफी टूट जाता था, बट आज मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, हालांकि वीक रहना चाहिए स्टॉक थोड़ा। हेलो, ओके, तो ये है बीएल पर आपके लिए राय, और इस बीच हम आपके लिए थोड़ी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेके आएंगे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की, मानसी हमारे साथ जुड़ेगी, फिर हम उनसे पूछेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर लेंगे, लेकिन उससे पहले रडार पर रहेगा एक और स्टॉक जो आज नतीजे पेश करने वाला है, वो है हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे से पहले स्टॉक कमजोर तो हो ही चुका है, कमजोर करने में किसका योगदान ज्यादा, बंसल जी आपका या कुणाल जी का? बंसल जी आप बताओ क्या होगा और रेंज बताओ पहले। देखिए अनिल जी, यहाँ पर जो चार्ट्स हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि नतीजे मार्केट को निराश ही करेंगे, टेक्निकली कोई ऐसा बाइंग का पैटर्न नहीं है, कोई बॉटम फिशिंग का पैटर्न नहीं है, टेक्निकली नीचे में एक नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक का 2880 के अराउंड आता है, और स्टॉक के मौजूदा स्तरों से भी 200-250 रुपए की गिरावट स्टॉक में पॉसिबल है, टेक्निकली तो अनिल जी उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए, टेक्निकली उछाल पे बिकवाली, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रैटेजी, नतीजे आज जारी होंगे हीरो मोटोकॉर्प के, लेकिन मिस्टर सेठी एक छोटी मिड कैप कंपनी है सेंचुरी प्लाई, इसके बारे में बताइए, नंबर्स तो काफी दमदार आए हैं, मुनाफा 33% बढ़ गया है, मार्जिन 16% पर आए हैं, और प्लाई सेगमेंट जो है वहां पर मार्जिन काफी हायर साइड पर है, और आप देखिए कल ही आखिरी मिनटों में दौड़ा भी था स्टॉक। नहीं बिल्कुल दीपाली, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार नतीजे हैं, और वैसे भी ये सेक्टर जिस तरह से सरकार का फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पे जो ये सेक्टर पूरा ही अच्छा कर रहा है, और हाल ही में हमने नोटिस किया है कि इस कंपनी के भी प्रोमोटर्स ने कई बार ओपन मार्केट से हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है और कॉन्फिडेंस बताता है, मुझे लगता है इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करके रखना चाहिए, यहां से आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है।
लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है सेंचुरी प्लाई 250 के लेवल्स पर कल बंद हुआ था, लेकिन आज और कहां है खरीदारी के मौके ये जान लेते हैं मानसी से, जिनके पास है घरेलू ब्रोकर हाउसेस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स। बताइए मानसी। जी बिल्कुल दीपाली, एक्सिस सिक्योरिटी की ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत करते हैं। वी गार्ड में खरीदारी करके आप चल सकते हैं, 214 के टारगेट्स के लिए 202 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। इसी के साथ अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करके 402 के टारगेट्स के लिए 388 का एक स्टॉप लॉस अदानी पोर्ट्स पर भी लगाना होगा। बात करते हैं एबी मनी की राय की, एसआरएफ पर खरीदारी की कॉल है 1685 के टारगेट्स के लिए, यहाँ पे 1610 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की राय, पिडिलाइट पर खरीदारी की राय है 1110 के टारगेट्स के लिए 1150 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। एम्फासिस में खरीदारी करके चल सकते हैं 1206 के टारगेट्स के लिए 1143 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, और साथ में कमिंस में खरीदारी 710 के टारगेट्स देख सकते हैं आप, 650 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स है जिस पर आपको रखनी है नजर।